नमस्कार दोस्तों, पवन वाइकड़ में आपका स्वागत है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का अगला वीडियो है एक्सरसाइज 2.1 का, और इस वीडियो में हम बचे हुए जो दो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। क्या है देख रखा हमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख रखा है, फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 250 एम्प्लॉइज। 250 एम्प्लॉइज का एज डिस्ट्रीब्यूशन देख रखा है, ठीक है। साथ ही में क्या बोलता है, 250 एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म, एक फर्म में जो 250 एम्प्लॉइज थे उनकी एज का डिस्ट्रीब्यूशन देख रखा है। कैलकुलेट क्यूडी, क्यूडी क्वार्टर डेविएशन को निकालना है ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब यहां पर जब इस तरह से कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये 30 का 30 है, ये 30 और 40 हो जाएगा 70, 70 और 60 हो जाएगा 130, 130 और ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 226, ठीक है। और ये प्लस करेंगे 14 तो ये होगा 240। मतलब क्या है, ये 240 है आपकी बुक में, उसको 250 दिया है, 250 इंप्लाइज तो नहीं है, या तो फिर यहां पर कोई नंबर में बदलाव आएगा, हम इसको 240 ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको बदलाव करना है तो फिर आपको यहां 20 करना पड़ेगा, ठीक है, 24 करना पड़ेगा, तो लेट इट बी लाइक दिस, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हमें मिल गया यहां पर एन। अब हम क्या करेंगे, हमको जब क्यूडी निकालना होता है तो क्वार्टर डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं Q1 माइनस Q3 अपॉन 2, ठीक है। Q1 और Q3 निकालने के लिए QI का ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहां पर ये जो I n अपॉन 4 है ये पोजीशन पहले निकालना पड़ेगी। ओके, तो इन द बिगिनिंग यहां लिखिए n अपॉन 4 क्या होगा, यहां लिखिए 4 Q1 n अपॉन 4 क्या होगा, n है 240, 240 अपॉन 4 क्या होगा, 6 6 24, ओके 60 होगा। चलो 60 कहां आ रहा है, 60 कहां आ रहा है, 60 आ रहा है यहां पर, 70 यहां पर है, तो ये वाला क्लास हो जाएगा मेन, ठीक है। मैं जरा इसको इस तरह से एक बॉक्स बना लेता हूं, मतलब यहां हमको समझने के लिए सही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, CF जो होता है प्रीवियस क्लास का ये है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर L क्या है, लोअर लिमिट, ये L है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है भैया 5, है ना। तो यहां पर सारा लिख लो, यहां लिख लो L इज इक्वल टू 25, फिर उसके बाद में F कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास दैट इज 40, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30, ठीक है, और H कितना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस दैट इज 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे Q1, सबसे पहले Q1 निकालें, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F 1 इंटू N अपॉन 4 माइनस CF। अब L की जगह पर तो आपका 25 आ जाएगा, प्लस H की जगह आएगा 5, फ्रीक्वेंसी है भैया 40, N अपॉन 4 कितना आया है आपका 60, प्रीवियस क्लास कितना है 30। चलो उसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 25 का 25, ये 5 अपॉन 40, ये बच गया 30, कैंसिल कर दो 0 0, ये हो गया 25, 5 3 15 अपॉन 4, जब इसको कैंसिल करेंगे 4 3 12, बचते हैं कितने 3.47 28, फिर 5, ओके, तो ये हो गया 25 प्लस 3.75। तो यहां पर हमको Q1 क्या मिल गया, Q1 मिल गया 28.75। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको QD निकालना, तो हमको Q3 भी निकालना पड़ेगा। तो Q3 के लिए यहां लिखो 4 Q3 3N अपॉन 4, तो N अपॉन 4 कितना था हमारा 60 था, तो 60 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, 180 आ रहा है। अब 180 के लिए यही क्लास है, दिस क्लास, इसको मैं हाईलाइट कर दू, ये वाला क्लास जो है ये हमारा 180 के लिए क्लास है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस केस में यहां पर ये एल हो जाएगा, ये यहां पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहां सारी वैल्यूज देख लो, यहां पर सारी वैल्यूज लिखो, ये आपका 180 आ गया, ठीक है। तो एल लिख लो 35, ठीक है, एल 35 है, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 50, प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, वो है 130, और एच तो आपका वही रहने वाला, बदलने वाला नहीं। लिखो यहां पर Q3 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F 3N अपॉन 4 माइनस CF,
वैल्यू पुट कर लो, क्यू थ्री, एल कितना है, एल है 35, 5 है एच, एफ कितना है 50, 3n upon 4 कितना है हमारा 180, और सी एफ कितना है 130। चलो जी इसको ऊपर लिख लो, क्यू थ्री कितना आया, क्यू थ्री आया 35 का 35 प्लस 5 upon 50 इंटू, ये हो गया यहां पर 50 बचेगा, तो 50 बहुत अच्छे सीधे सीधे कैंसिल हो गया, क्यू थ्री क्या आ गया 35 प्लस 5 तो क्यू थ्री हो गया हमारा 40। हमें क्वार्टर डेविएशन निकालना, डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुट कर दो इसी फार्मूले में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपके समझाने के लिए लिख के रखा है, तो क्यू डी लिखो यहां पर क्वार्टर डेविएशन। क्यू वन कितना है, क्यू वन हमारा था ये, ठीक है ये हमारा क्यू वन की वैल्यू है, और क्यू थ्री कितना है, क्यू थ्री ये है हमारा 40। चलो लिखो यहां पर क्यू वन माइनस क्यू थ्री, सॉरी क्यू थ्री माइनस क्यू वन लिखते हैं इसको हम, तो यहां पर इसको बदलाव कर लो, हम इसको क्यू थ्री माइनस क्यू वन लिखते हैं, गलती से मैंने उल्टा लिख दिया उसको, ये हो गया 40 माइनस दैट इज 28.75 upon 2। तो अगर 12 में से 28 गया तो 40 में से 28 गया तो 12 बचता है, और 75 निकाल लो तो 11.25 बचेगा, 11.25 upon 2 डिवाइड कर लो 5 टाइम 0.6 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, तो क्वार्टर डेविएशन कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5.625। इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ऐसे इसको करना है। चलिए अगर आप सीखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने 6 तक किया था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक। चलिए अगर आप इसे लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। फॉलोइंग डेटा गिव्स द वेट ऑफ द बॉक्सेस, कैलकुलेट क्वार्टर डेविएशन। आपको बॉक्सेस का वेट देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, और नंबर ऑफ बॉक्सेस देके रखा है। और एक और चीज अच्छी है कि यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के ही देती है, तो ये हमें निकालना होता था, इसे निकाल के दे दी। एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 60 है, इसने हमको क्या बोला, क्वार्टर डेविएशन निकालना है। मैंने क्वार्टर डेविएशन के लिए आपको फार्मूला क्या कहा है, क्वार्टर डेविएशन होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू, ठीक है। और हम क्वार्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू दैट इज एल प्लस एच अपॉन एफ आई एन अपॉन फोर माइनस सी एफ, ये हम फार्मूला यूज करते हैं, तो बस इनका यूज करना है। तो यहां लिखिए फॉर क्यू वन, ओके, तो यहां एन अपॉन फोर निकालना पड़ेगा, दैट इज 60 upon 4 होगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 कहां पर आएगा, यहां आएगा, इस क्लास को हाईलाइट कर लो, हाईलाइट दिस क्लास, ठीक है इस क्लास को हाईलाइट कर लो, तो यहां पर ये जो है ये एल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, और ये सी एफ हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है, एच कितना है, एच है भैया यहां पर 2 आएगा, ठीक है। एल कितना है, एल 14 है, ठीक है। एफ कितना है, एफ 16 है, और सी एफ कितना है, सी एफ है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर क्यू वन निकालते थे फर्स्ट क्वार्टर, तो फार्मूला लिख लो, दैट इज एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन फोर माइनस सी एफ, ठीक है। तो क्यू वन का, क्यू वन एल की जगह पर हमारा आ गया है, दैट इज 14, ठीक है। डिफरेंस यहां पर एच आ गया 2, एफ कितना है 16 है फ्रीक्वेंसी, एन अपॉन फोर हमारा कितना आया था 15, 15, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, दैट इज 10, ठीक है। तो 14 का 14 प्लस 2 upon 16 इंटू 5, 5 2 10, 14 प्लस, एक काम करो इसको 8 कर दो, 5 upon 8, तो 14 प्लस 0.86 48 82 85, ये हो गया 14.625, ये हो गया क्वार्टाइल 1, ठीक है। ये हमारी क्यू वन की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है क्यू थ्री, तो लिखो यहां पर 4 क्यू थ्री, 3n upon 4 कितना होगा, तो 3 into n upon 4 कर दो, n upon 4 कितना आया था हमारा 15 आया था, 15 लिख दो, 15 3 45, और 45 कहाँ आ रहा है, 45 यहां पे आएगा, 58 है, तो यहां पर इसको प्लस कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा L, ये हो गया F, और ये हो गया सी एफ, लिखो वैल्यू पुट करो यहां पर, L कितना है 18 है, F कितना है
वो भी 18 है, बहुत अच्छे। हमें एच दे के रखा है 2 और सी एफ कितना है, सी एफ है 40। चलो क्यू थ्री निकालते हैं, लिखो यहां पर क्यू थ्री इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ 3n अपॉन 4 माइनस सी एफ। वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू क्या है, ये 18 है, लिखो यहां पर ये 18 प्लस 2 अपॉन 18 3n अपॉन 4 45 माइनस सी एफ कितना है 40 है। ठीक है, तो ये 18 प्लस 2 अपॉन 18 इंटू 5, ठीक है, तो 5 टू 10 हो गया, ये 5 टू हो गया 10, 10 अपॉन 18 मतलब क्या हो गया 5 अपॉन 9, 9 से 5 को डिवाइड करो, सॉरी 5 को 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45, 5 बचता है, फिर से 9 5 जा 45, फिर से 5 बचता है, तो इस तरह से आएगा 5 5 5 आता रहेगा। तो एक काम करो, इसको लिख लो 0.56, तो ये हो गया 18.56। हमको क्या निकालना है, हमको क्यू डी निकालना है, क्वार्टर डेविएशन निकालना है। क्वार्टर डेविएशन कैसे निकालते हैं, क्वार्टर डेविएशन के लिए हमको Q3 में से Q1 को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, 18.56 में से 14.225, 18.46, सॉरी 56 है, तो इस पे काम करो, 56 मत लिखो, ये 555 आ रहा है तो इसको तीन डिजिट पे लिख लो 556। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीन डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तीन डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो उसको भी तीन डिजिट में कर लो, माइनस इसको लिख लो 14.625 अपॉन 2। चलो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो 18.556 में से 14.625, 1 बचा 3 बचा 9 बचा, यहाँ 3 बचा, ओके 3.931 अपॉन 2, 2 इन 9 टाइम 6 टाइम 5 टाइम 5 टाइम, तो यहाँ पर क्वार्टर डेविएशन क्या आ गया, दैट इज 1.9655। ठीक है, इस तरह से केजी में लिखिए इसको, क्वार्टर डेविएशन इस तरह से हमको मिला है 1.9655 केजी, है ना, इसको आप केजी लिख लीजिए, और अगर आप इसे लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इस तरह से आज का हमारा वीडियो था, आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा, सिर्फ दो ही क्वेश्चन का वीडियो है, इस टाइप में मतलब मैंने क्या किया था, इस एक्सरसाइज में टाइप वाइज क्वेश्चन डिवाइड कर दिए थे, और इसीलिए मैंने अलग अलग पार्ट्स किए, छोटे छोटे पार्ट्स किए। अगला पार्ट हमारा आएगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है, तो इस पार्ट को भी हम बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत क्विकली होगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8 ही क्वेश्चन है, ठीक है, हर दिन 2 क्वेश्चन ही सही, मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि 2-2 क्वेश्चन आपके करवाते जाऊंगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन होगा, कोशिश जारी है, काम जारी है, हालांकि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी आप ही के सिलेबस का है, कॉमर्स के सिलेबस का, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, वो तो कर ही रहा हूं मैं, और आप देखते रहिए वीडियोस, आपको पूरी मदद मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।